आम इंतखाबात में 145 नशिस्तें जीतने वाली मुस्लिम लीग नून खवातीन की 35 और अकलियतों की 6 मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई, जिसके बाद इसकी कुल नशिस्तों की तादाद 186 हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में 32 सीटों के बाद खवातीन की 7 और अकलियतों की 1 मखसूस नशिस्त जीत कर 40 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 28 जनरल नशिस्तें खवातीन की 6 और अकलियतों की 1 मखसूस नशिस्त हासिल की और इसकी कुल नशिस्तों की तादाद 35 हो गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 18 जनरल नशिस्तें खवातीन की 4 और अकलियतों की 1 मखसूस नशिस्त के साथ 23 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई। जमीयत उलमा इस्लाम फेद 10 जनरल नशिस्तों के बाद खवातीन की 3 और अकलियतों की 1 नशिस्त हासिल करके 14 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई। कौमी असम्बली में 3 नशिस्तें हासिल करने वाली जमात इस्लामी खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त के साथ 4 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई। नेशनल पीपल्स पार्टी 2 जनरल नशिस्तें और खवातीन की 1 नशिस्त लेकर 3 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई। मुस्लिम लीग काफ ने 2 सीटें जीती, जबकि खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त के लिए उसकी पीपल्स पार्टी से टाई है। इसके अलावा एक एक नशिस्त हासिल करने वाली 8 जमातें और आजाद हैसियत बरकरार रखने वाले 8 उम्मीदवार भी कौमी असम्बली में मौजूद होंगे।